नमस्कार मुझे संजय कुमार दास ओडिशा कटक रु कहूँ वेलकम टू माय दास ट्यूटोरियल माय ट्यूटोरियल इज दास ट्यूटोरियल सो ये जो सुप्रीम कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल अच्छी 124 127 मु 130 पंत 124 रु 130 पंत गत क्लास रे डिस्कशन कर दी थी एवं कही 131 ठारु नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन होगा तो आगे आसवा एटा पार्ट टू रखी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 रु 147 130 पंत डिस्कशन हो जाए गत क्लास रे आज आसवा 131 पाक राइट आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिडिक्शन आर्टिकल 131 रे तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन रो अर्थ कोन होची ना ओरिजिन सुप्रीम कोर्ट रो ओरिजिनल जुरिडिक्शन मध्ये रे कोन कोन केस गुडा को आसीबो एटा जानिबा दरकार अछि प्रथम कथा होची डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट केन्द्र और राज्य मध्य किसी मनातर घटे कौन सी विषय नहीं कि विषय को नहीं कि कौन सी सब्जेक्ट को नहीं कि मनातर घटे सहीटा सुप्रीम कोर्ट जो केस हम सहीटा ओरिजिनल जुरिडिक्शन अंडर हम आर्टिकल 131 से लिखाई तेज सेंटर एंड मोर देन वन स्टेट मनकर सेंटर गोटे पटर अच्छी गोटे स्टेट नुह मोर देन वन स्टेट मिसिकी से मनकर सेन्टर एडजस्ट कैस करेंगे कौन सी कथा को लेकिन ओरिजिनल जुरिडिक्शन आउटे कौन स्टेट एंड स्टेट 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 भितर किसी गंडगोल है ओडिशा और आंध्र प्रदेश भितर से कोटिया गाँव को नहीं गंडगोल होता से कैस तो से कैस जो सेंटर मोर देन वन स्टेट और स्टेट एंड स्टेट भितर जो गंडगोल हम जो मनातर हम सीटा सुप्रीम कोर्टर ओरिजिनल जुरिडिक्शन जा सुप्रीम कोर्ट एज एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिडिक्शन ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन भितर सुप्रीम कोर्टर जो जो क्षमता गुड़ाक आसूची सी जो सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन दबो ताकु अगेन पुणी थरे केही भी चैलेंज करि पारिबे नै ना सरकार ना कोनोसी लोक ना कोनोसी इंस्टीट्यूशन यदि ओरिजिनल जुरिडिक्शन अंडर रे जो केस आसूची तार डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट दबो ता एगेंस्ट रे लीगल चैलेंज आईनगत चैलेंज केही करि पारिबे नै कोन कला दि सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिडिक्शन या माने होची से उले केस तुम कोची सुनो 1961 मसीहारे वेस्ट बेंगल आ सेंट्रल गवर्नमेंट भितर गोटे केस होता कौनटा केस होता ना वेस्ट बेंगल सेंट्रल गवर्नमेंट को चैलेंज करो विषय चैलेंज करा कोल बियरिंग एरिया कोईला जो सब एरिया जो सब एरिया कोईला सब अच्छी से जो कोईला खड़ी उपरे जो नीति नियम थिला से नीति नियम को लेकिन वेस्ट बेंगल सेंट्रल गवर्नमेंट को चैलेंज कर थिला ए जो कोल उपरे जो नीति नियम गुड़ाक होता से 1957 मसीह 1961 रे वेस्ट बेंगल सेंट्रल गवर्नमेंट को चैलेंज कर गोटे केस तुमको कह रईट आर्टिकल 132 आर्टिकल 132 कौन अपीलेट जुरिडिक्शन मन रखियो कथा टाक अपीलेट जुरिडिक्शन कौन दि सुप्रीम कोर्ट हियर्स अपील्स सुप्रीम कोर्ट अपील सुनी पार एटा गला गोटे केस पलटा ये आसला अपीलेट जुरिडिक्शन कौन ना सुप्रीम कोर्ट हियर्स अपील्स सुप्रीम कोर्ट अपीलटा शुणब केसटा नब न नब से कहीं जो केसटा से ग्रहण कर कि ग्रहण करना सी अलग कथा कि कौन लिखी ना अपीलेट जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट हियर्स सुप्रीम कोर्ट शुणब अपील्स एगेन्स्ट दि जजमेंट अफ दि लयर कोर्ट मन कर गोटे लयर कोर्ट मैंने आम आसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्रिमिनाल कोर्ट अच्छी सिविल कोर्ट अच्छी कोर्ट विषय बहुत कथा अच्छी मुझे कोर्ट में पढ़े कोर्ट जो पढ़े अबाउट कोर्ट से कह तुम खाली एति मन रख मन कर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्रिमिनाल कोर्ट अच्छी सिविल कोर्ट अच्छी अच्छी सपोज आम हाई कोर्ट में क्रिमिनाल कोर्ट अच्छी सिविल कोर्ट अच्छी अच्छा सब से कस्ट आपीलेट जुरिडिक्शन दि सुप्रीम कोर्ट हियर दि अपील अगेंस्ट दि जजमेंट अफ दि लयर कोर्ट तल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हूँ सब बड़ कोर्ट अपेक्स कोर्ट से अपेक्स कोर्ट को छाड़देले तले जो हाईकोर्ट मैंने रहीगले सिविल कोर्ट मैंने डिस्ट्रिक्ट स्तर में जो सिविल कोर्ट मैंने रहीगले क्रिमिनाल कोर्ट मैंने रहीगले कौन सी कोर्टर जो डिसीजन होती एगेन्स्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करहब या जाए केसटा
सुप्रीम कोर्ट को आमी नबाकू जाउच एति की कथार सुनानी सुप्रीम कोर्ट करिवो जे केसटा ग्रहण करिवो कि ग्रहण करिवन राइट त माने अति लोअर कोर्ट त माने लोअर कोर्ट रो जो जजमेंट आसीबो जे कोन जे लोअर कोर्ट जो जजमेंट आसीबो से जजमेंटा सुप्रीम कोर्ट रे अगेन अपीलेट अपील हेई पारिबो सेइटा को आमे कहउछु अपीलेट जुरिडिक्शन जोटा आछि आर्टिकल 132 रे तबरे आसीबा 133 रे 133 कोन कहउछि सिविल मैटर एटी देखो लोक एटी जो लॉयर कोर्ट रो जो केस गुडा को सुप्रीम कोर्ट आसे तीन प्रकार रा आसे गुडा होची कॉन्स्टिट्यूशनल गुडा होची सिविल गुडा होची क्रिमिनल कॉन्स्टिट्यूशनल माने कॉन्स्टिट्यूशन रो कोनसी नियम भंग होतबो कॉन्स्टिट्यूशन रो जो नियम कानून लिखा आइची ता नियम भंग होतबो किबा सिविल केस माने करो गुडा जागा वाडी नै मो जागा टाकु आगने वाडी बसि मु ताना जई केस करबी सेटा होची सिविल केस माने करो से जागा वाडी बसि बाडा वाडी हे गेल से केस ताई जो क्रिमिनल केस ओकरा बुझियो छ त माने कोनोसी भी जजमेंट आसीबो तळ कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल रो हाई कोर्ट लेवल रो केस गुडा को कॉन्स्टिट्यूशनली हेतिबो सिविल विषय हेतिबो क्रिमिनल विषय हेतिबो त माने हम ताकु अपील करि पारिबा सुप्रीम कोर्ट अपील कर माने अपील करि पारिबा किंतु अपील कला परे जदी कोर्ट ताकु ग्रहण कला तबे 133 रास्ती सिविल मैटर माने सिविल मैटर को से डिसाइड करबो सिविल मैटर नंबर 2 रहउची सॉरी नंबर सिविल मैटर आर्टिकल 134 रे 34 रहउची क्रिमिनल मैटर जदी केस ताकु से ग्रहण करनेला 133 आर्टिकल अनुसार उडा सिविल मैटर रो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट दबो आ आर्टिकल 134 अनुसार उडा क्रिमिनल मैटर बाडा बाडी होची रक्त बाजी रंज क्रिमिनल मैटर क्रिमिनल मैटर रो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट दबो राइट तबरे आछी आर्टिकल 135 फेडरल कोर्ट फेडरल कोर्ट रो अर्थ होची अपेक्स कोर्ट सबटु बडो कोर्ट ता कोंती फेडरल कोर्ट काहे की ना सबु प्रकार रा केस उडा माने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थारु आरंभ करिकि हाई कोर्ट थारु आरंभ करिकि जेते प्रकार रो कोर्ट अछि सुप्रीम बा ट्रिब्युनल थारु आरंभ तो ट्रिब्युनल गुडा अछि सो आरंभ करिकि सबु केस आसी पारिबो केमिति कोठि कि फेडरल कोर्ट को आसी पारिबो ए जो फेडरल कोर्ट को आसी पारिबो जेतु ए अपेक्स कोर्ट तेनु 1 आर्टिकल 135 रेटा कह रहउछि से अपेक्स कोर्ट ता कहउछि फेडरल कोर्ट एइत पई कह जाउछि ना से सबु प्रकार रो केस जे कोनो जी प्रकार रो केस से तोमर भांडा भांडा लेखिन नउ तमर कोट के तुम बाड़े देजी क्रिमिनल क्रिमिनल केस हो कि तुम जागा बाड़ी के बाड़ी बसि सिविल केस हो ना कि के उटा संविधान रो नियम भंग करछि कॉन्स्टिट्यूशनली केस हो जो केस हो जेहेतु से बुझुछि त ये होछि उटा केस मानन कर फेडरेशन बा जो केस गुडा कर विचार हबो तार सब प्रकार जिंस बा सब प्रकार केस एठी आसी पारिबो सेई पई ता कहला फेडरल कोर्ट राइट तबले आछि आर्टिकल 136 स्पेशल लीव टू अपील ए जो स्पेशल लीव टू अपील रो अर्थ होची टू तो अपील एनी जजमेंट टू अपील एनी जजमेंट इन एनी मैटर कोनोसी विषय रे हो किए भी जजमेंट नै थान हे से हो तो ट्रिब्युनल केस हे जाय परे को कोर्ट रो केस ता डिसन हे के आस्ताई परे हे ई सब जो मैटर अछ माने हम देश सारा हम देश रे जते कोर्ट अछ सुप्रीम कोर्ट छाड़ दे आ जत्ते कोर्ट अछि तांको पाखुर जो जो कथा गडा को सुप्रीम कोर्ट को आसीबो सेठी कहूची जे स्पेशल लीव टू अपील सेटा कहती स्पेशल लीव टू अपील एटा कोडा स्पेशल लीव टू अपील बुझियौची हां तबरे कहूची 134 वाला 36 स्पेशल लीव टू अपील आर्टिकल 136 रे जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल रिव्यू कोन बुझियबा जुडिशियल रिव्यू होची माने कर उटा केस रे सुप्रीम कोर्ट उटा डिसीजन देछि राइट जे से निजे सुप्रीम कोर्ट उटा केस रे डिसीजन देछि तथापि सेई कोर्ट सेई सुप्रीम कोर्ट आउ थरे से लोक को भी चांस दिया जाइछि हे जो कोर्ट ताको कन्विक्ट करिछि बा जो कोर्ट ताको दोषी बोली कि सब्यस्त करिछि सेई कोर्ट रे सेई लोक बा सेई पार्टी आउ थरे अपील करि पारिबो जदि अधिका किछि प्रमाण थिबो त जो प्रमाण से आगुरु देइथिला जो एविडेंस गुडा से आगुरु देइथिला से लोक से एविडेंस देला परे ताको सजा आइछि किंतु ता पाखरे माने कर आउ किछि एविडेंस अछि ता माने जो कोर्ट ताको सजा देइछि सेही कोर्ट रे अगेन आउ किछि प्रमाण ता पाखरे अछि ताकु नै कि से अपील करि पारिबा सेटा कोडी कह जाउछि आ
judicial review. Mane se nije condition dechi. Puni aau thare bi sei court re sei case ta review hei paribo, seta ko ame kouchu article 137 re judicial review. Article 138 jurisdiction of the supreme court shall be increased. To ame ba jurisdiction of the supreme court increase means mane kara ama desa re koti high court basibo, koti district court basibo, koti diita state re gote high court hobo. Kita di dasar itu udah high court aja, ya bolehnya di dasar itu olga-olga high court kali mau, ini berbeda kata Supreme Court lo jurisdiction di tera asuji, Supreme Court lo jurisdiction, di tera asuji, itu saya kan, si kau kali mau, di jurisdiction lo Supreme Court salmi increased, tak jurisdiction di tera jah aja, tak ku cahile Supreme Court bolehi kali mau, mungkin utamu kahili ini high court kata, di dasar itu mana kalau ragu teh high court aja, Supreme Court cahile mana presiden kok presiden itu nggak sanggare, berastropati nggak sanggare, konsol kari ki, itu di ita state di ita high court kardi apa nih mau, kaya ki, ada supreme court lo jurisdiction di tera asuji, right? Tapi asuji, di jurisdiction of supreme court shall be increased, article 139, read jurisdiction mana apa kah, mutamu ko fundamental right re, 32 article re, jo read sachi, mu sabbu gula ko read padai chi, jadi read bisa re, jani na ho ba mone na hi tebe fundamental right video dekhi dabo kou kou case re kemti kemti re rit mane hoji hukum na hukum na mane hoji supreme court pakare pancho prakar hukum na achi lokora fundamental right kemti kemti khiru na hele ta upare hukum na ma lagu hei paribo eita article 32 ra fundamental rights ra achi hela kintu ethi kai achi je rit jurisdiction mane supreme court आर्टिकल 139 बोले रे सेठी कोन जे 32 रे केमिति केस ता हाले लोक रीटा पाई अपील करबो हे किंतु एथि कोन अछि आर्टिकल 139 रे जे रीड जुरिडिक्शन जो री जो पावर ताको सुप्रीम कोर्ट जो पांचटा हुकुमनामा देबे सब जे पढाई छि से हुकुमनामाटा कोडी आछि ए आर्टिकल 139 रीड जुरिडिक्शन रे आछि सुप्रीम कोर्ट जो पांचटा हुकुमनामा देबे सहीटा आर्टिकल 139 रे लेखा आछि बुझियो छी त के को प्रकार री सेटा फंडामेंटल राइट 32 रे अछि से विषय रे आगु आलोचना हेई जाय छी देखियो आर्टिकल 140 आंसरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आंसरी पावर माने ये जते प्रकार पावर सुप्रीम कोर्ट को दिया जाय छी ता परे भी किछि नुवा घटना आसु छी सुप्रीम कोर्ट परिसर भीतर को सेईटा को आमे कहू छु हे सेटा कोन को कहै छी आर्टिकल 140 आंसरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये सब तो पावर अछि ता भिन्न आउ जो जो पावर सुप्रीम कोर्ट ग्रहण करिवो बा ता बगरे रहिवो सेगुडा कामे कहिबा हां आंसरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट तबरे आछि आर्टिकल 141 आर्टिकल 141 कोन कहउछि ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट मस्ट फॉलोड बाय ऑल कोर्ट्स 141 नंबर आर्टिकल लेखा जाइछि भारत वर्ष रे जेते कोर्ट अछन्ति हम कंट्री रे हां से जगह रे कोन हो ना सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर दबो दिस इज द फाइनल ऑर्डर एवं भारतर सब कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रो ऑर्डर को मानिबा को बाध्य बुझियो छी तबरे आछि आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट टू पास एनी ऑर्डर नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट इन एनी केस ओ मैटर पेंडिंग बिफोर दी प्रकार कथा आइ छी कोन कह छी उटा केस ता मनकर पेंडिंग हे पड़ी छी केस तारे मने कर पब्लिक इंपोर्टेंस अछि छ केस रे से जगह रे ह मने कर एंतु नै करबो कोन हाई कोर्ट रे केस अछि से हाई कोर्ट रे से केस ता उपरे पब्लिक इंपोर्टेंस अछि त लोक माने से केस ता उपरे गुरुत्व दउ छथि से जगह रे कोन हो ना सुप्रीम कोर्ट टू पास एनी ऑर्डर नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट इन एनी केस उटा केस को कंप्लीट करिया पई नेसेसरी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट देई पारिबो किंबा मैटर पेंडिंग बिफोर ता कोनोसी केस पेंडिंग हे पडिछि आगरु पब्लिक इंपोर्टेंस आ आसीला कोनोसी दृष्टि कोनरो ताको निजे उठे आनी कि केस तार विचार करि पाइबो राइट तबरे आसी 143 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट पावर ऑफ प्रेसिडेंट 143 रे पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट माने करो ओटा किसी आइन तयारी हेछि माने करो लोकसभा राज्यसभा मिसु आइन तयारी करे से जगह रे मन करो आइन दा भी पास हे गला से जगह रे राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट संगे रे कंसल्ट करि परिबे
ये जो आइन डा पास ला ये संविधानिक आइन तो माने उनका ये अर्थ होची के मतलब ना पावर ऑफ प्रेसिडेंट माने प्रेसिडेंट को से पावर दिया जाई कोन दिया जाई टू कंसल्ट विथ सुप्रीम कोर्ट कोनसी लीगल केस रे से सुप्रीम कोर्ट सागर कंसल्ट हेई परिबे बा सुप्रीम कोर्ट को किछि पचारि परिबे बुझि होची तबरे आर्टिकल 144 सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट रो सहाय्य करिया पई बा सुप्रीम कोर्ट को चलेबा को जो माने सहाय्य करूचंती से जो सिविल लोक माने जो माने सिविल चाकरी करचंती बा जो माने जुडिशियल अथॉरिटी अछंती से जज माने होतो जे भी हो तो जुडिशियल अथॉरिटी माने अछंती सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट का माने संविधान रो आर्टिकल 144 लेखा जाईची जे सुप्रीम कोर्ट रे काम रे सहाय्य करिया पई कौन कौन सिविल लोकंकर आवश्यकता अछि कौन कौन जुडिशियल अथॉरिटीज मानकर आवश्यकता अछि जो माने कि सुप्रीम कोर्ट काम करिवे रे सहाय्य करिवे सेई कथाडा लेखा आइछि आर्टिकल 144 रे तापर आछि आर्टिकल 145 रूल्स ऑफ कोर्ट्स ता माने जो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो चालू छि सुप्रीम कोर्ट बस्ती जो चालू छि से कोर्टा कोन कोन नियम कानून के नै चालू छि ताको कोर्ट भितरे सुप्रीम कोर्ट भितरे जो कामकाज्य होउछि तार भी किछिटा निर्दिष्ट नीति नियम अछि से निर्दिष्ट नीति नियमटा कोठी अछि ना आर्टिकल 145 रे लेखा जाय छि रूल्स ऑफ कोर्ट्स माने कोर्ट रो सब रूल्स लेखा जाय छि जे कोर्ट किमि चालिबो कोन नियम रे चालिबो आर्टिकल 145 रे लेखा आछि तापर आछि आर्टिकल 146 ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड दी एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट चल माने चलिया पई को ऑफिसर दरकार सडी को सर्वेंट्स बा चाकर दरकार बा पियन दरकार एवं सेमानों को पई जो एक्सपेंसेस ऑफ खर्च होबो बा सुप्रीम कोर्ट चलिया पई जो टोटल खर्च होबो से खर्च विषय को लिखा आइछि ना आर्टिकल 145 रे सॉरी आर्टिकल 146 रे लिखा आइछि ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड दी एक्सपेंसेस ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट राइट तापर आछ आर्टिकल 147 इंटरप्रिटेशन रो अर्थ होची अल्टीमेट इंटरप्रिटर ऑफ इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सीक टू बेसिक स्ट्रक्चर ता माने संविधान रो माने कोनोसी नीति नियम आमे जो तयारी करूचु बा पार्लियामेंट जो तयारी करूची लोकसभा राज्यसभा कि प्रेसिडेंट बा प्रेसिडेंट को सिग्नेचर रे जो गुडा बिल पास हो जो जिनसे तयारी होची ह से जो जिनसे तयारी होची जदि से नियमटा संविधान रो बेसिक स्ट्रक्चर को आघात करूथा बा संविधान रो बेसिक स्ट्रक्चर रो नियम मानु नथा से जगह रे सुप्रीम कोर्ट से कथा रे इंटरप्रेट करिवो जे ए कथाटा बा नियमटा संविधान बाहर जाउची ए कथा सुप्रीम कोर्ट आपे इंटरप्रेट करजिवो ता मधी के आसजिवो जदि संविधान को किछि कुठारे आघाउची बा संविधान रो नियम जदि किछि मने न जाउची बा मानु नहत बा पार्लियामेंट पास कला संविधान नियम संविधान विरुद्ध रे पड़ौची से जगह रे सुप्रीम कोर्ट मझिरे बाहर पड़िबो राइट ये गला हमरो 131 को 147 राइट अच्छा एबे आसीबा ए कोस्ता बुझिबो पीआईएल कोन दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग एग्जाम रे पड़े पीआईएल तो पीआईएल कोन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन माने लोक मानंकर ता भीतर इंटरेस्ट थिबो सेठी किछि लिटिगेशन गंडगोलिया परिस्थिति आसुथुबो मुदे एग्जांपल कहूची पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रे एग्जांपल लियो सपोज तुम घरे आगरे तुम घर आगरे तुम सब दिन 10टा बेले ऑफिस को जाउछ ठीक सेही 10टा बेले जो ओलिया सब उठौची गाड़ी सब उठौचंदी ओलिया आजकल सब गाड़ी माने सब ओलिया उठौचंदी गाड़ी बडा माने कर ओलिया उठा गाड़ी तुम घर आगरे सब दिन 10टा बेले आसी कि ओलिया उठौची तुम जीबा पे असुविधा रे पड़िचो ट्रैफिक जाम होउची ए जो केस गुडा को ई केस गुडा कासिबो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अंडर रे राइट तो मैं देखिबा दिस कांसेप्ट वाज बोरोड ए जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बा पीआईएल आकु बोरो करा जाईथिला अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन बा यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन बा यूएसए ओरिजिनल है यूएस रे हां केबे ओरिजिनल आइथिला यूएस रे आरंभ होइथिला ना 1960 मसिया रे 1960 मसिया रे यूएस रे आरंभ होइथिला तबे जस्टिस वी आर कृष्णा आयर दि जन जस्टिस थिले सुप्रीम कोर्ट रो जणक ना आउची जस्टिस वी आर कृष्णा आयर
आउ जने होचंती जस्टिस पीएल भागवती ये तीन लोक होया दि मेन पायना ये दिनो मुख्य व्यक्ति पीआईएल को लागू करिवारे ए दिनो जज सुप्रीम कोर्ट जज ए दिनो होचंती मुख्य व्यक्ति ऑफ द कांसेप्ट ऑफ द पीआईएल ए पीआईएल कांसेप्ट को इंडिया रे लागू करा गला केबे रा लागू करा गला 1981 रे लागू करा गला इंडिया कोडा पीआईएल ता हां किंतु तैयारी एकला देबे 1960 रे कोन तैयारी एकला यूएस रे तैयारी एकला कोन जन आनी थिले कृष्णाय आ जस्टिस पीएन भगवती ए दिजन तर मेन लोक थिले कांसेप्ट ता को इंडिया को आनीबा पाए राइट अच्छा दी मेन पाइन रति कांसेप्ट पीआईएल इट आल्सो कॉल्ड ए जो पीआईएल ता को कोन कोन नाम डका जाय ना सोशल एक्शन लिटिगेशन सामाजिक स्तर रे हम कार्यकला परे किछि गुटे गंडगोल परिस्थिति होउची बा हमर अधिकार मनकर क्षुण्ण होउची सेटा को हमें कहले सोशल एक्शन लिटिगेशन एसएल सार ये तीनटा सारा या अंडर अछंती बा ये तीनटा सारा को कहंती पीआईए ये तीनटा सारा हम कोन अछि ना सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन सामाजिक माने सोशल इंटरेस्ट सामाजिक दृष्टिकोण रो इंटरेस्ट थिबो माने समाज सामाजिक दृष्टिकोण रो से जिनस गुटे इंपोर्टेंट जिनस आइथिबो से जागा लिटिगेशन हेले आमे ता कला एसआईएल सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन आ गुटे होची क्लास एक्शन लिटिगेशन आ कोइबा सीएल रे क्लास एक्शन लिटिगेशन ये भारत रे आरंभ होइतिला 1981 मसिया रे किंतु यार जन्म होची अमेरिका रे कोड पीआईएल रो केबे जन्म होइतिला 1960 रे अमेरिका रे बुझियो छी ए जो पीआईएल विषय रे ठीक कहि दउ छी ए पीआईएल जे लागू होइ गला लोक माने छोटो मोटो केस धर के सुप्रीम कोर्ट रे पहुंच गेल बुझियो छी छोटिया मोटिया केस धर के सुप्रीम कोर्ट मेंचा मेंचा केस पीआईएल अंडर रे सुप्रीम कोर्ट रे पहुंच गेल से जगह रे सुप्रीम कोर्ट कोन कला एते उडा को केस बुझियो बनाई तब नेकी हियरिंग करियो पड़िबो से पे से कोन कला सुप्रीम कोर्ट उडा नियम हैला जे जो लोग पीआईएल रे अपील करिवो ताकू 1 लाख टंका सिक्योरिटी देबा को पड़िबो आ जदी से केस ता पीआईएल अंडर रे जाउ छी ठीक ता तार से लाख टंका फेरई देबे जदी पीआर पीआईएल अंडर रे जाउनी ता कथाटा छोटिया बडिया केस जाई से सुप्रीम कोर्ट रे पहुंचिबो से जगह रे तार लाख टंकाटा बाजिया तई जो गमे नै जो बुझेला कथाटा हां इतला टोटल अबाउट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 147 मु तुम भाई किछि काम नै कि आसी क्वेश्चन एंड आंसर मु तीनटा कर दै छी तुम भाई दिटा दै छी राइट नंबर 1 क्वेश्चन फ्रॉम व्हिच सोर्स को सोर्स रु इंडिया गॉट द कांसेप्ट ऑफ सिंगल ऑर्डर ऑफ कोर्ट सिंगल ऑर्डर ऑफ कोर्ट एबे नाही जेबे हमर हाई कोर्ट सो प्रथम बसला वेस्ट बंगाल रे मुंबई रे ए जो सब नानुआ ना जो फास्ट हाई कोर्ट सो बसतिला सेते बेले ए जो सिंगल ऑर्डर गुटे कोर्ट रो नियम थिला सेटा एक्चुअली कोड आस्ला मु तो पचार छी एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन ता पछे परीक्षा रे पड़े जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो आस्तिला कोदा ना सिंगल ऑर्डर ऑफ कोर्ट नंबर 2 क्वेश्चन हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग रो आर्किटेक्चर किए आर्किटेक्चर किए ना कास गिलबर्ट तंग ना होची कास गिलबर्ट थर्ड क्वेश्चन इन व्हिच केस एउटो मने क्वेश्चन तीनटा देछि ए तीनटा क्वेश्चन तुमको देछि करिया पाई गोटे क्वेश्चन फर्स्ट नंबर 3 अछि इन व्हिच केस द मैक्सिमम जजेस ऑफ बेंच सीट माने सुप्रीम कोर्ट रे डिसिजन हुए ताकर गोटे बेंच स्ट्रेंथ आसे तीन जणिया खाली बुझै छी आगो वीडियो टा तीन जणिया पांच जणिया बेंच हुए एते म क्वेश्चन पचार छी को केस रे बा को केस पाई गुडा जज मानकर बेंच तयारी हेतिला आ ता भितरे सबटु अधिका जज थिले राइट तापर क्वेश्चन होची द मेन फंक्शन ऑफ द जुडिशियरी इज जुडिशियर रा मेन फंक्शन कोउटा जुडिशियर तो बहुत फंक्शन अछि सेहि पे मोडी चारटा ऑप्शन दे दैछि ल एजुकेशन ल फॉर्मुलेशन ल एप्लीकेशन ल एडजुडिकेशन एडजुडिकेशन ए चारटा रु को ऑप्शन टा हबो मते कमेंट रे पठैबो राइट तापर आसी नंबर 5 हु हैव द ऑफिसर ऑफिसर्स उडे लोक इनती अछंती जे की ऑफिस को होल्ड करथले को ऑफिस को द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट रो जज थिले आज ए लाज से आउटे काम भी करथिले स्पीकर ऑफ लोकसभा भी से लोक थिले एमिदी को लोक जनक से सुप्रीम कोर्ट रो जज भी थिले एवं से लोकसभा रो स्पीकर भी थिले दीटा रोल से करिछंती जणे लोक ऑप्शन दे अछि सुवारा केस हेज तापर आसी पीएन भगवती
Like my video, like it, share it, and subscribe it. Thank you.